तो भाई 6x6 के कमरे में 6 फीट काटनी, पूरी रात बैठ के काट दिया। बीच में मैं डिप्रेशन में चला गया, अचानक से मैं ऐसे सोया हूँ और ऐसे करके दौड़े दौड़े पड़ रहे, कोई मुझे मार रहा है ऐसा। चौल के वडाला के एक छोटे से कमरे में मुझे नहीं रहने दिया। उस दिन से मैंने बोला कि यार जिंदगी में मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी औकात है। बोला हूँ कुछ तो बोला नहीं, ये डायलॉग अच्छा नहीं बोल रहा, तो मैंने बोला आज यही सुसाइड कर लूँगा। अच्छा मित्रगण, आपके बता दें कि हाल ही में छलिया नाम की फिल्म जो है वो रिलीज हुई है और जो है देव जी का उसमें अहम किरदार है और जब भी आते हैं अपनी छाप छोड़ जाते हैं। जी जी तो जी, बहुत बधाई और बहुत बड़ी शुभकामनाएं। लेकिन हमारा सवाल आपसे ये है कि आपको लोग प्रभास कहते हैं, लंबी काठी के आप हैं, सुंदर दिखते हैं, बाडी साडी भी बढ़िया है, ये विलन काहे बन गए भैया, आप तो हीरो लायक है। अच्छा देखिए, ये बड़ी अच्छी कहानी है। मैं जब इंडस्ट्री में आया था ना, तो भैया मैं क्या बताऊँ, मतलब इतना पतला था, इतना पतला कि मत पूछिए, और चेहरा भी वैसा ही था। हम तो चले आते हैं कि चलो एक्टर बनना है, कभी ये सोच के नहीं आया कि हीरो बनना है कि विलेन बनना है, एक्टर बनना है। लेकिन यहाँ आने के बाद एक तो रहने की जगह नहीं थी, तो मैं अपने साथ मेरे एक मित्र को लेकर आया, वो हमारे सीनियर्स थे, 6 साल हमसे पहले से एक्टिंग करते थे। तो मुझे लगा कि ये, वो भी पंडित जी थे, तो मुझे लगा कि ये पंडित जी मुझे संभाल लेंगे। तो जैसे हम इगतपुरी से आगे ट्रेन आई, लगे पंडित जी रोने। मैंने कहा अरे पंडित जी आप क्यों रो रहे हैं? कह रहे भाई चले तो आए, रहेंगे कहाँ। मैंने कहा देखो बाबू, अब जब हम मैं लाया कि तुम मेरी हिम्मत बनाओगे तो मैं क्या करूँगा भैया, तुम चलो मेरे साथ। ले आए और स्टेशन पर खड़े होकर बैठे थे कि किसको क्या किया जाए, यार जाएंगे नहीं। लेकिन एक हमारा मित्र था उधम, वो बहुत पहले आया था, बेचारा वो इतना किया उस दिन, उसकी ज़िंदगी का ये एहसान है कि वो आ गया उस दिन लेने मुझे और लेके गया। ये उतरा हम लोग किंग सर्कल, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो मैं उससे पूछा उधम ये रहना कहाँ है इसमें, तो बोलता नहीं नहीं आगे। तो मैं सोचा दूसरी बिल्डिंग है, इसके आगे करते करते चौल के अंदर घुस गए। तो भाई 6x6 के कमरे में 6 फीट काटनी, पूरी रात बैठ के काट दिया। तो ये शुरुआत तो हुई उसी हिसाब से, लेकिन अब ये था कि काम करना है। तो जोश ऐसा था कि आज ही मैं सबको फेल कर दूंगा, अंधेरी सीधा चले आए बिना टिकट का, भाई यहाँ करना वहाँ करना। लेकिन समझ में आया कि संघर्ष क्या होता है, और एक चीज़ की जल्दबाजी होगी कि मैं बहुत जल्दी आ गया एक्टर बने, तभी मुझे नहीं थी, ये नहीं थी। और जहाँ जाए तो तब टीवी में सोनी का शो शुरू हुआ था, जैसी जैसी कोई नहीं, कुछ शोज थे, जहाँ जाए तो बोला नहीं नहीं आप नहीं नहीं अभी बच्चे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। खैर ये करते करते एक साल गुजर गया, और उसी बीच में थोड़ी सर्वाइवल की प्रॉब्लम होने लगी कि अब पैसे आए कहाँ से। माता जी सब ने तो भेजना शुरू किया था, फिर वहाँ पे हमने एक 12 रुपए का कार्ड बनता था हेपाटाइटिस बी का इंजेक्शन लेने के लिए। हम बिना टिकट की किंग सर्कल से आते थे और यहाँ जोगेश्वरी के कई इलाकों में नॉक किया, टंग ये हेपाटाइटिस बी का टीकाकरण कराना है, 12 रुपए कार्ड बनवा लीजिए। मुझे बहुत और लगता था, मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ भाई, मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता था कि 2 कार्ड बिक गया तो मैं कहा चलो यार 24 रुपये का भागो यहाँ से, पंडित जी हमारे बड़े, अरे तुम रुको मैं करता हूँ। कई चीज़ें ऐसी हो गई बीच में, मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया। मेरी कुछ दोस्ती ऐसे लोगों के साथ हो गई, मैं बड़ा भोला भाला आदमी, इनके पास खाने को नहीं था, मैं अपने घर पर लेके गया, अब वहीं उसी घर में मैं ही बेगाना हो गया जिस घर में मैं रहता था। तो मुझे ही इसे कर दिया गया कि ये गलत है, ये सुन रहा है हमारी बातें। बीच में मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था कि मुझे दौरे पड़ते थे। मुझे ना अचानक से मैं ऐसे सोया हूँ और ऐसे करके दौरे पड़ते थे, कोई मुझे मार रहा है ऐसा। तो पंडित जी जो थे, वो पंडित जी मुझे अपने गोद में लेके खूब रोते थे, कह रहे यदि मर जाएगा तो। और जो बाकी मित्र हमारे गण थे वो कहते थे कि तो एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। लेकिन मैंने देखा डिप्रेशन क्या चीज़ होती है। उस डिप्रेशन से निकलने के लिए मैंने किंग सर्कल में कपड़े की दुकान है मिंग्स फैशन, अभी भी वो दुकान होगी, मैं उस दुकान में नया नया खुला था। तो मुझे मेरे दोस्त ने बोला यार इसमें तुम कर लो, तुमको कपड़े का नॉलेज है। मैं कॉलेज टाइम से कपड़े बेचता था, तो मैं चला गया। तो बोले काम क्यों, मैंने कहा हाँ बहुत किया हूँ, बहुत सीरियस अजय देवगन टाइप हो चाहे मैं जी, हाँ किया हूँ। कर लोगे? जी कर लूँगा। कितना पैसा लो? मैंने आप काम देख लीजिए जो देना दे दीजिए, ये लाइन थे। गया, आप बिलीव नहीं करेंगे सर, पूरे कपड़े की दुकान में जितने कपड़े थे सबका रेट मेरे को ऐसे याद रहता था। मुझसे पूछते थे कितना, तो मैं बताता था 780 रुपये, तो 780 रुपये ही होता था। तो जो ओनर्स थे वो पंजाबी थे, मुझे बहुत प्यार करने लगे। धीरे धीरे मैं उस डिप्रेशन से निकलने लगा। चंद दिन हुए, 15-20 दिन मैंने जॉब किया और मेरी माताजी की देहांत हो गया। अब मैंने बोला मुझे पैसे दे दीजिए, तो बोले इसलिए मैं बिहारियों को नहीं रखता हूँ झूठ बोलते। तो मैं चिढ़ गया, मैं बोला यार मेरी माँ मर गई, मुझे बताया नहीं गया था कि मेरी माँ, उन्होंने बोला कि सीरियस से आप चले आओ। तो मैंने बोला मेरी माँ मर गई और आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मैं, उन्होंने मुझे 1500 रुपये दिए, मैं उसी से आया और अब 100 रुपये किसी को दिया, उनका हाथ कट गया था तो उनका करवाने के लिए। उस वक्त पता नहीं क्या ज़मीन खिसकने वाली बात थी, मैं किसी तरह घर गया, पता चला वहाँ माता जी गुजर चुकी है।
उनको मैं देख नहीं पाया। ये ज़िंदगी का एक मलाल मुझे हमेशा रहेगा कि मैं अपने माता जी को नहीं देख पाया। इस बीच में तो मैं अब बताऊँ कि ये सब चीज़ें हो गई, माता जी गुजर गई, फिर मैं गाँव गया, वहाँ पापा की तबीयत ख़राब थी, फिर मैं बॉम्बे आया, तो यहाँ के लोग फिर वो मित्र मोले कह रहे तुम बाल मत कटवाना, यहाँ तुम्हारे लिए एक बढ़िया रोल है। मैं बाल नहीं कटवाया, इतना बदनसीब आदमी उस वक्त बच्चे के पता नहीं कुछ समझ में नहीं आता था, यार रोल है चलो आया। लोग भी गांव में हंसते वसते थे कि यार कब गया है, एक्टर बनने कुछ होगा ही नहीं। फिर मैं मुझे लगा कि जब मैं मम्मी को खो दिया तो कहीं पापा को मत खो दूँ, पापा की तबीयत ख़राब थी। तो मैं यहाँ से इतना स्ट्रगल से थक गया था ना कि मैं दुकान छोड़ दिया, यहाँ किसी ने मुझे अपने घर में रखा ही नहीं। मैंने एक दिन एक हमारे कोई मिल गया था, उनके साथ रहता था, तो मुझे बड़े बड़े सपने दिखाते थे, गाड़ियों से चलना, JW मेरिट में बैठना, बड़े बड़े स्टार सामने। वो मुझे लॉन्च करना चाह रहे थे, इसलिए मुझे बोलते थे तुम इनसे बातें मत किया करो, मैं नहीं करता था। फाइनली एक दिन मुझे लगा कि यार मैं 2 साल गुजार दिया बॉम्बे में, कुछ किया नहीं, मैं हूँ क्या? मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे ऐसा कुछ कह दिया था। तो मैंने उस दिन 26 जनवरी का दिन था, मैंने मोबाइल बंद किया, उनका घर छोड़ा और निकला, और मुझे किसी ने बॉम्बे शहर में एक दिन रहने नहीं दिया। मतलब चौल के वडाला के एक छोटे से कमरे में मुझे नहीं रहने दिया। उस दिन से मैंने बोला कि यार ज़िंदगी में मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरी औकात है। और मैं वहाँ से सीधा गया अपनी बहन के पास, अहमदाबाद रहती थी, वहाँ पर थोड़ी सी मुझे लगा यहाँ भी बहुत जद्दोजहद चल रही है। फिर मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बुलाया मेरे, मैंने एक अकाउंट खुलाया था 5,000 रुपये का, उस 5,000 रुपये को लेकर मैं बॉम्बे, फिर मैं चला गया गांव, गांव जाके कपड़े की दुकान खोली पापा से पैसे लेके। 3 साल तक मैं वो कपड़े की दुकान चलाया। अब वो 3 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे बुरे समय थे। अभी क्या है, मैं इतना डिप्रेशन में वहाँ भी था कि यार जो है का हो हीरो बने गई बड़ा, का हो भैया तो हीरो बने गई बड़ा, कपड़ा का दाम कितना, तो मैं ये सब झेल रहा हूँ, झेलता जा रहा हूँ। खैर ये हुआ कि 3 साल के बाद मुझे लगा कि मैंने एक छोटे भाई की शादी करा दी, सब हो गया, मेरे लिए रिश्ते आते थे तो मैं यार मुझे नहीं करना, उधर डाल देता था। फिर भाई ने बोला कि अपनी खुशी के लिए हमारे बलिदान कर दिए, मैं कहा चलो भाई ठीक है। फिर मेरे छोटे भाई ने 10,000 रुपये दिया, मैं वापस बॉम्बे आया, और उस बॉम्बे के शहर में उस बीच में एक कपड़े की दुकान पर खेल हुआ था कि मुझे किसी एक लड़के ने, चाय वाले ने बोला था कि भाई तू हीरो बने गई रहा, निरहुआ का चिन्ह ला, पवन सिंह का चिन्ह ला। तो मैं लिटरली उस वक्त हिंदी के लिए स्ट्रगल करता था, नहीं जानता था उनको, तो मैंने बोला ज़रूर करूँगा। तो यहाँ राजकुमार पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई, किसी को हीरो बनना था, मैंने उनसे मिलवाया। अब वो उन्होंने उससे मिलवाने के बाद ये हुआ कि उन्होंने एक फिल्म बना रहे थे दीवाना, तो मैंने पूछा कौन हीरो, तो बोले कि निरहुआ। तो अब मैंने कहा एक सीन मुझे दे दीजिए, तो ये मेरी भोजपुरी की शुरुआत है। उन्होंने एक सीन दिया, डायलॉग आज भी याद है, मुझे नहीं पता था कि इस एक सीन से मैं कहाँ मेरी यहाँ की शायद लिखा था, तो मैंने ये कर लिया। तो उस वक्त जब पेट में जब डायलॉग कौन सा था अभी बताता हूँ, और जब पैसा नहीं होता ना सर, तो हीरो तो छोड़िए, इज्जत बचाने के लिए कुछ भी रोल करना पड़ता है कि गांव में इज्जत रह जाए कि मैं यहाँ आके शूटिंग कर रहा कि नहीं कर रहा हूँ। जी जी, तो मैंने ये भी किया। तो मैंने वो डायलॉग था आजावे देख कुणाल सिंह के, ऐसन कुचब क्यों कर दे के कचूमर निकाल दे, बड़का SP बना था ना साला, ये लाइन मैंने बोला। राज जी ने बोला ये एक्टर है यार इसके ऊपर, तो उन्होंने मेरा क्लोज शॉट भी लगाया। आप तो मैं राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम ऐसे जरिए से मिले और शायद भोजपुरी में मैं आज यहाँ खड़ा हो गया हूँ। पर मैंने रोल कभी छोटा बड़ा फिर नहीं समझा। फिर TV शोज़ की शुरुआत हुई। एक TV शोज़ की तो बड़ी कहानी थी कि जब इतनी स्ट्रगल चल रही थी, जब पैसे ख़त्म हो गए थे तो कुछ भी मिल जाए। तो एक महुआ का शो चल रहा था इम्तिहान, मुझे किसी ने बोला कि जॉब मिल लो, मैं गया वहाँ मिलने, रत्नेश बरनवाल एक छोटे मिलवाने लेके गए तो बोले नहीं सब कास्टिंग हो गई है। फिर मैं किसी तरह बोला यार भाई कर लो, तो मुझे बोला कि पीछे खड़े रहने का रोल है कर लो, आप बिलीव करेंगे। पहले दिन का पहला शूट पे मुझे बोला गया कि ये डफर है, इसको डायलॉग मत देना। मैंने बिना सुने आपको ऐसा बोला गया? बीच में बोला कुछ, मैंने बोला होगा कुछ, तो बोला नहीं नहीं डायलॉग अच्छा नहीं बोल रहा है, इसको डफर है। तो मैंने बोला आज यहीं सुसाइड कर लूँगा, सच्ची है, सत्य है। तो बसरा स्टूडियो में शूटिंग चल रही थी, मैं बोला आज तो सुसाइड अटेम्प्ट कर ही लेना है। फिर अंतरात्मा ने बोला कि भाई देव सिंह आप एक छोटे से गांव से यहां तक चले का सफ़र तय कर लिया, इसलिए नहीं कि आप हार मान जाए, और कायर लोग डरपोक लोग ये सब काम करते हैं, आप मेहनत करो, उनको बताओ कि तुम क्या हो। और मैं चुपचाप उस ऐसे खड़ा रहता था, मैं पैसा गिनना शुरू कर दिया, पर डे का आज का इतना रुपया, कल का इतना रुपया, 3 महीना खर्चा चला जाएगा। उसी समय मुझे एक शो मिला भाग्य विधाता का, 2 दिन का कैरेक्टर था, पहले मैंने मना कर दिया। तो मेरे एक मित्र है नीरज, उसने बोला कि देखो बाबू काम मिलता है तो ना मत करो, अभी तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं कि तुम ना कर दो, पैसे सोचो क्या है। और मैं वहीं से फिल्म सिटी पहुंच गया, उसमें भाग्य विधाता का शूट था, रिचा मेन लीड में थी, और मैं पहली बार हम लोग आमना सामना हुए, मैं 2 दिन करके चला आया।
फिर उसके बाद वो करेक्टर बढ़ गया। अब वो काम बढ़ गया तो इधर महुआ वाला शो वाला प्रोड्यूसर साहब बोले, भाई आपके डायलॉग नहीं बोलते उसमें तो बढ़िया रोल करते। मैंने कहा हमको तो बोलते एक्टिंग ही नहीं आती है। अगले दिन 1.5 पेज का डायलॉग आया, बस उसी दिन से जो रास्ता खुला तो मैं आ गया सब पीछे। तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम करते जाइए, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और हिम्मत तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो आप एक्टर बनने की तरफ लालसा रख सकते हैं, क्योंकि आजकल फेसबुक भैया काम चाहिए, भैया एक बार खड़ा कर दीजिए, ऐसे नहीं होता है। आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते चले जाएं। और भैया लोग आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि देव जी से अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जवाब आप तक पहुँचा दें। और आप जो हैं हमारा ये जो शो है देखते रहें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ देव सिंह। और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।